हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। क्लियर है बेटा? तो जैसे अब एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है बेटा, ये एक तरह से बायोट सेवर्ट्स लॉ की अल्टरनेटिव फॉर्म है। क्लियर है? जो काम बायोट सेवर्ट्स लॉ करेगा वही काम हम एम्पियर सर्किटल लॉ से भी कर सकते हैं। तो देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ को समझने की कोशिश करते हैं, ये है क्या। ये लॉ कहता है कि मान लीजिए जो लाइन इंटीग्रल है ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि आपने वहां पे गॉस थ्योरम में क्या किया था, सरफेस इंटीग्रल लेते थे। क्लियर है? तो उसी तरह से हम यहां पर क्या कर रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ में, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड सर्किट, किसी एक क्लोज सर्किट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है, दैट इज इक्वल्स टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट पासिंग थ्रू इट। म्यू नॉट क्या है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी। म्यू नॉट क्या है? परमेबिलिटी। और परमेबिलिटी मैंने कहा था कांस्टेंट है, इसके बारे में हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, कांस्टेंट नंबर है। और आई क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। बात समझ में आई? तो द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल्स टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट पासिंग थ्रू इट। क्लियर है? बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है। तो ये तो सिंपली एक डेफिनेशन थी आपके किसके, दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। क्लियर है बेटा? तो आइए अब हम समझते हैं, इसको प्रूफ करते हैं कि ये कैसे आया। ये अभी मैंने केवल आपको एक डेफिनेशन बताई है एम्पियर सर्किटल लॉ की, जो कि क्या कहती है, जो लाइन इंटीग्रल है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल्स टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट पासिंग थ्रू इट। क्लियर है बेटा? डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। आइए अब हम समझते हैं इसका प्रूफ। तो आप वीडियो को बैक करके पहले इसकी डेफिनेशन को नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है? वीडियो को थोड़ा बैक लेके जाइए और फिर इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। और अब हम समझते हैं बेटा इसका प्रूफ। द प्रूफ ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर अब मान लीजिए बेटा मेरे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसकी वजह से मुझे किसी एक पॉइंट पी पर हम यहां पर क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेटा यहां पर हमने एक क्लोज लूप ड्रॉ की। क्लियर है? ये थोड़ी सी सिमेट्रिकल लूप ड्रॉ करते हैं हम। हमने इसके अराउंड एक क्लोज्ड लूप ड्रॉ की और इसके अंदर से बेटा ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। करंट कितना है? आई। ये पॉइंट है अपना पी, या यहां पर मान लीजिए कहीं एक पॉइंट है, दैट इज पी। क्लियर है बेटा? हमने एक पॉइंट लिया पी और हमें क्या फाइंड आउट करना है यहां पर, मैग्नेटिक फील्ड। तो बायोट सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है, बाय द बायोट सेवर्ट्स लॉ, हमें पहले प्रूफ करेंगे हम एम्पियर सर्किट लॉ का। तो बाय द बायोट सेवर्ट्स लॉ इधर मान लीजिए ये पॉइंट पी इधर है और इसका जो डिस्टेंस है दैट इज आर। क्लियर है? तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, दैट इज B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। ये है बायोट सेवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली जो यहां पर रिजल्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर है बेटा? अच्छा अब जरा यहां पर ध्यान से देखिए कि
यहां जो है हमारा एक करंट एलिमेंट है जिसकी लेंथ पॉइंट पी, करंट लेंथ कितनी है इसकी डीएल, क्लियर है। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी पहले ये समझिए आप, ये तो मेरा डीएल वेक्टर है, क्लियर, तो करंट एलिमेंट, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होने वाली है वो आप समझिए। देखिए जरा, करंट ऊपर की ओर है तो थंब को हमारा, अगर थंब किसकी डायरेक्शन इंडिकेट करता है, करंट की, तो जो कर्ल्ड फिंगर है बेटा हमारी, दे इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कर्ल्ड फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि सर्कल के अलोंग ऐसे सर्कुलर शेप में होगी हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट एलिमेंट डीएल के साथ अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो हमें टेंजेंट बनाना पड़ेगा, यानी कि ये रहा मेरा बी वेक्टर और बेटा डीएल वेक्टर भी अपना इसी डायरेक्शन में था, क्लियर है। तो यहां पर हेयर बी वेक्टर इज पैरेलल टू द डीएल वेक्टर, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, क्योंकि देखिए डीएल वेक्टर की डायरेक्शन भी ये है, क्लियर, लूप मैंने कुछ ऐसे ली है, तो आई तो करंट है वायर के अंदर जो कि फ्लो कर रहा है, ठीक है, और इसके अराउंड हमने लूप कुछ इस तरीके से ली, देखिए लूप ऐसे ही आएगी, क्लियर। तो यहां पर जो डीएल एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन भी ये होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम होगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल। अच्छा आप जरा देखिए, आप वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, देखिए बी डी एल कॉस जीरो डिग्री, क्योंकि दोनों में पैरेलल है तो एंगल कितना जीरो, दैट इज बी डी एल, क्लियर है बेटा। तो अब अगर मुझे, मैं फाइंड आउट करता हूं लाइन इंटीग्रल, मतलब कि इसका इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, तो यहां पर आप देखिए बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, डीएल का स्मॉल करंट एलिमेंट, सॉरी स्मॉल एलिमेंट का हमने क्या किया, इंटीग्रेशन कर लिया, क्लियर है। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा, मतलब कंप्लीट लेंथ कितनी है, अब ये तो एक सर्कल है ना, सर्कल की कंप्लीट लेंथ कितनी होती है बेटा, दैट इज 2 पाई आर। तो देखिए आप बी इंटू 2 पाई आर, क्लियर है बेटा। अब बी की वैल्यू क्या थी, ये इक्वेशन नंबर 1 से आप पुट आउट कर सकते हैं, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर, दैट इज म्यू नोट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर मल्टीप्लाई में यहां है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसल हो गया, तो अपने पास देखिए बेटा रिजल्ट क्या आया, दैट इज म्यू नोट आई, क्लियर है बेटा। तो देखिए आप बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नोट आई, हेंस द एम्पियर सर्किटल लॉ इज प्रूव्ड, यही तो डेफिनेशन थी एम्पियर सर्किटल लॉ की, कि लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज सर्किट इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स ऑफ द करंट पासिंग थ्रू इट, तो ये हम प्रूव कर चुके हैं, क्लियर है बेटा। तो चलिए वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, ये था हमने किया एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रूफ, क्लियर है। तो देखिए जो एम्पियर सर्किटल लॉ है, ऐसा देखिए वैलिड ये हर जगह पर है, लेकिन यूजफुल कहां पर होगा, इट इज यूजफुल फॉर जब ये मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है बेटा, दैट इज नॉन जीरो, या सीधा लिखें When the magnetic field is non-zero, जब इसकी वैल्यू जीरो ना हो और कॉन्स्टेंट हो, When magnetic field कैसा होना चाहिए बेटा, non-zero होना चाहिए और कॉन्स्टेंट होना चाहिए, क्लियर है। और एक पॉइंट और याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू द लेंथ, नॉर्मल टू द लेंथ,
लेंथ के ये अगर परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, तब भी हमारा ये जो है यूजफुल है। या मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? नॉन जीरो है, नॉन जीरो, और साथ में क्या बोल सकते हैं? कॉन्स्टेंट। और मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल, TANGENTIAL, टेंजेंशियल को, तब ये जो है एम्पियर सर्किटल लॉ थोड़ा ज्यादा यूजफुल है। मतलब हमारे लिए इससे प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा यूजफुल रहेगा, इजी रहेगा, अगर ये कंडीशंस हैं। वैसे एप्लीकेबल ये हर केस में होगा। तो देखिए आप जरा ध्यान से, टेंजेंशियल का मतलब कैसे मैंने क्या बताया अभी आपने किया यहां पर, कि जैसे हमने एक सर्कुलर ये पाथ लिया था, क्लियर है? तो ये मैंने एलिमेंट लिया डीएल, डीएल, तो यहां पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो ये टेंजेंट मुझे किसकी डायरेक्शन बताता है? दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे है यहां पर? टेंजेंशियल है, क्लियर है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये ज्यादातर यूजफुल कहां पर होगा। तो चलिए अब हम करते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो अब देखिए बेटा, हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। इसमें सबसे पहले हम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ऑफ द करंट। हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है करंट, जिसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट द पॉइंट पी। बिल्कुल वैसे जैसे हमने बायो सेवर्ट्स लॉ में किया था, वैसे अब हम फाइंड आउट करेंगे एक वायर की वजह से विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, क्लियर है? तो चलिए समझते हैं कैसे। अब यहां पर मान लीजिए बेटा हमारे पास है एक पॉइंट पी, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पी का जो सबसे पहले डिस्टेंस है वो नोट कीजिए, दैट इज आर। तो अब यहां पे हमने एक क्लोज्ड लूप ऐसे ड्रॉ कर लिया, क्लियर है बेटा? यहां पर एक स्मॉल जो करंट एलिमेंट है आपका, दैट इज DL, क्लियर। और सेम यहां पर बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी सेम अलोंग द टेंजेंट, दैट इज B वेक्टर। ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, क्योंकि देखिए इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे होने वाली है, क्लियर है ना? तो ये रही मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, B वेक्टर, ये DL। तो बाय द एम्पियर सर्किटल लॉ, बाय द एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होगा, देखिए, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, दैट इज इक्वल्स टू द म्यू नॉट I, क्लियर है? अब यहां पर आपको ऑलरेडी पता है B, DL दोनों में, DL और B दोनों में एंगल कितना? जीरो, दैट इज cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू द म्यू नॉट I, क्लियर है बेटा? तो अब यहां से ये आ गया आपके पास बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नोट आई। तो बी एज इट इज, डी एल यानी कि बेटा टोटल लेंथ, अगर डी एल ये छोटी सी लेंथ है, हमें कंप्लीट लेंथ की बात कर रहे हैं, सर्कल की कंप्लीट लेंथ कितनी होती है, दैट इज 2πr, क्लियर है? और ये किसके इक्वल आया? म्यू नोट आई। तो यहां से आप बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो बेटा, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, क्लियर है? ये आ चुका है हमारा आंसर, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी ड्यू टू द करंट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। यही रिजल्ट आप चेक कर सकते हो, हमने बायो सेवर्ट्स लॉ में भी डिराइव किया था, क्लियर है बेटा? तो अब हम इसके बाद अपनी एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करेंगे इन केस ऑफ द सोलेनोइड एंड इन केस ऑफ द टोरॉइड, क्लियर है? इसकी नेक्स्ट दो एप्लीकेशन, क्लियर? तो उसके बाद हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पहले इसको नोट कीजिए। तो आइए बेटा हम समझते हैं सोलेनोइड के बारे में। सोलेनोइड क्या होती है आप सबको पता है। जब मान लीजिए मैंने एक कॉपर, इंसुलेटेड कॉपर की वायर ली और मैं उसको इस मार्कर के ऊपर कुछ इस तरीके से टर्न कर देता हूं, लपेट देता हूं उसको, तो वो क्या बन जाएगा? एक सोलेनोइड।
क्या बोलेंगे उसको हम? सोलेनोइड। तो इट इज अ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये क्या है सोलेनोइड? एक इंसुलेटेड कॉपर वायर, सिंपली कॉपर की वायर है जिसके ऊपर इंसुलेशन है, क्लियर। वाउंड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स। वो क्या है? हेलिक्स की तरह लिपटी हुई है ये शेप जो है, स्प्रिंग जैसी शेप। क्या बोलते हैं इसको? हेलिकल शेप। तो इट इज वाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स। तो ऐसे स्ट्रक्चर को बेटा हम क्या बोलते हैं? सोलेनोइड। क्या बोलते हैं इसको? सोलेनोइड। क्लियर है। इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया है, मैंने शो नहीं किया यहां पर, तो बैटरी की वजह से इसमें क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है, क्लियर। तो अभी देखिए बेटा यहां पर इस सोलेनोइड को समझने की कोशिश कीजिए। एक मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स बना लेता हूं, ये एक मिनट, यहां पर मैंने एक पॉइंट बना लिया, ऐसे एक यहां पर लगाया पॉइंट, तो अब जरा देखिए बेटा आप ध्यान से, इस पॉइंट से जो ये पीछे से पॉइंट ऐसे आया और यहां से जो करंट है अंदर एंटर कर रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। मान लीजिए ये कुछ इस तरीके की है सोलेनोइड, ऐसे लिपटी हुई है, क्लियर। तो अंदर से ऐसे बाहर की ओर आ रहा है करंट, मतलब कुछ ऐसे लिपटी हुई है ना, करंट ऐसे चल रहा है अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, कुछ इस तरीके से। तो उसको मैंने बेटा पॉइंट डॉट के साथ शो किया है, मतलब कि डॉट क्या शो करता है बेटा? करंट लीव द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब कि हमारे इस प्लेन से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, ये बड़ा पॉइंट है। ये मैंने इस पॉइंट को यहां पर डॉट से शो किया है, मतलब यहां पर जो करंट है वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। देखिए ऐसे है ना हमारी शेप, इसकी सोलेनोइड कुछ ऐसे है, तो ये यहां पर जो ऊपर पॉइंट है यहां से देखिए ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है करंट, ऐसे प्लेन ऑफ द पेपर को लीव कर रहा है करंट यहां पर, तो ये वो डॉट पॉइंट है, क्लियर। और ऐसे ही यहां पर एक पॉइंट, यहां यहां, तो मैंने ऐसे कुछ पॉइंट्स लगाए हैं, यहां से करंट क्या हो रहा है? बाहर की तरफ एग्जिट कर रहा है, क्लियर। लीविंग, देखिए द डॉट, ये सर्कल के अंदर डॉट लगा रखा है ना, इट रिप्रेजेंट द करंट लीविंग द प्लेन ऑफ द पेपर। जो करंट है वो प्लेन ऑफ पेपर से बाहर आ रहा है, ठीक है। अब फिर मैंने क्या किया, अब जरा यहां पर देखिए ये पॉइंट जहां पर मैं क्रॉस मार्क कर रहा हूं, जैसे ये करंट ऐसे अंदर आया तो अब घूम के, ये देखिए घूमने के बाद यहां पर जब नीचे पहुंचा, देखिए ऐसे ऊपर गया फिर नीचे आया, तो नीचे ये अंदर की ओर जा रहा है ऐसे करके, फिर अंदर की ओर, अंदर की ओर ऐसे चक्कर लगाया, फिर अंदर की ओर, अंदर की ओर, तो नीचे से करंट जो है अंदर की ओर एंटर कर रहा है इन द प्लेन ऑफ द पेपर। तो मैंने इसके बिल्कुल नीचे स्टार मार्क लगा रखा है या क्रॉस मार्क लगा रखा है, जो क्या कह रहा है? करंट अंदर की ओर जा रहा है। ये क्या कहता है? करंट बाहर की ओर, और यहां पे करंट अंदर की ओर एंटर कर रहा है, क्लियर। तो ऐसे बहुत सारे टर्न्स हैं, तो हर पॉइंट में यहां जैसे क्रॉस मैंने करता गया और यहां भी मैंने क्रॉस लगा दिया। समझ में आई बेटा? अब मैंने इसका सेक्शनल व्यू यहां तैयार कर दिया इस सोलेनोइड का। कैसा व्यू बोलते हैं इसको? सेक्शनल व्यू ऑफ द सोलेनोइड। क्लियर है बेटा? तो अब जरा आप यहां ध्यान से समझिए, यहां से तो करंट बाहर आ रहा है और यहां पे करंट अंदर जा रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल का यूज कीजिए आप। करंट ऐसे आ रहा है बाहर, करंट क्या है? बाहर आ रहा है। तो थंब मेरा किसको शो करता है? डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो फिंगर देखिए मेरी ऐसे ऊपर की ओर ऐसे, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। तो यानी कि बेटा मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगा। बात समझ में आ गई? ये देखिए यहां भी करंट बाहर की ओर है तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है। तो ये जो रिंग है ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को शो कर रही है, ऐसे ही यहां पर। बात समझ में आई है? और यहां से आते हुए करंट कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा और ये घूम के इधर से, इसका करंट ऐसे घूम के यहां से इधर जाएगा। अब ये करंट जा रहा है ऐसे घूम के इधर से यहां ऊपर,
और ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये यहां से घूम के नीचे से ऊपर और ये यहां से ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। ये बात समझ में आई बेटा? अब नीचे चलते हैं। नीचे क्रॉस कर रखा है, क्रॉस का मतलब जो करंट है अंदर की ओर है। अब देखिए यहां पर ध्यान से समझिए, थंब मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो बिल्कुल अंदर की ओर यहां पर मैंने थंब रखा। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए कुछ ऐसे है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है बेटा? देखिए ये डायरेक्शन क्या है मेरी मैग्नेटिक फील्ड की, तो इसका मतलब कुछ यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका उसकी डायरेक्शन ये हो गई। क्लियर है? तो घूम के आएगा करंट यहां पर और फिर ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? तो सेम चीज यहां पर होगी बेटा। अच्छा पहले इसको देखिए, मैंने इसको यहां पे ड्रॉ किया ऐसे, ऊपर वाले को मैं यहां भी शो कर देता हूं। अब यहां से भी करंट कुछ ऐसे जा रहा है, तो ये इसका कंप्लीट सर्कल हो गया। अब ऐसे यहां पर क्लियर है बेटा, तो ये आप ड्रॉ कर सकते हो। अब जरा एक बात समझिए आप, क्या हो रहा है कि यहां पर जो करंट है ऊपर ऐसे जा रहा है इस तरफ, और यहां से करंट अंदर आ रहा है। क्लियर है? यहां से तो करंट ऊपर की ओर जा रहा है और यहां से करंट इसके साइड वाले रिंग में करंट अंदर की ओर जा रहा है। इधर से करंट ऊपर जा रहा है, इधर से अंदर आ रहा है, इधर से करंट ऊपर जा रहा है, इधर से करंट अंदर आ रहा है, इधर से ऊपर जा रहा है, इधर से अंदर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देगा। दोनों के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। देखिए यहां पे तो करंट ऊपर की ओर और यहां से करंट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड यहां ऊपर की ओर, यहां मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। सेम केस यहां पर भी होगा, यहां भी देखिए एक लाइन, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर और यहां मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते जा रहे हैं, कैंसल कर रहे हैं। सेम यहां पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, दोनों का एक दूसरे के साथ कैंसल आउट होता जा रहा है। अच्छा लेकिन अंदर की बात करते हैं हम। अब ये देखिए इसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर, इधर सेम डायरेक्शन में, इधर सेम डायरेक्शन में, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो जिसको मैंने बेटा एरो के साइन से शो कर दिया। क्लियर है? और ऐसे ही यहां पर ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड, ये भी एक ऐसे ऐड होते चले जाएंगे इनका इफेक्ट, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से आ गया। क्लियर है बेटा? ये बात समझ में आई? ऐसे जो सेंटर में होगा ना वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो से रिप्रेजेंट करेंगे हम मिड में। तो ये हो गया अपना मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड, और जब ऐसे इसको यहां पर हम देखेंगे तो यहां से ये कंप्लीट ऐसे शेप बना लेगा, और ये बाहर की तरफ ऐसे है ना देखो सेम डायरेक्शन में, तो ये बाहर की तरफ डायरेक्शन होगी। ऐसे ही अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये देखिए ऐसे घूम के इस साइड से आ गया। क्लियर है बेटा? तो ऐसे ही आप एक दो लाइन और ड्रॉ कर सकते हो। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। ये ध्यान रखना आपने, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइनें कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये हमने एक सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर दिया, क्वालिटेटिव एनालिसिस इसका हमने एक बार समझ लिया इसके मैग्नेटिक फील्ड का। अब अच्छा देखिए अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंटर्न्स की वजह से भी है, इंटर्न्स की वजह से भी है, ठीक है, और जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड है वो केवल यहां पर केवल इन वाले टर्न्स की तरफ से है, इसकी वजह से ही आएगा केवल बाहर, और इधर भी केवल इस वाले टर्न की तरफ से आएगा। लेकिन अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो इनकी वजह से भी है और इनकी वजह से भी है, इन रिंग्स की वजह से भी और इन रिंग्स की वजह से भी। तो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और बाहर का मैग्नेटिक फील्ड वीक, अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग और बाहर मैग्नेटिक फील्ड वीक,
तो ये तो बेटा हमने समझा इसका केवल क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्लियर है। अब हम फाइंड आउट करेंगे एक सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करें, क्लियर है। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो आइए बेटा अब हम समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड। एक लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। मान लीजिए हमें अंदर किसी पॉइंट पर क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। तो हमने क्या कंसीडर किया, बहुत ही लॉन्ग सोलेनोइड है हमारे पास जिसके अंदर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है, क्लियर है। और ये डॉट मार्क क्या शो कर रहा है, मैग्नेट के यहां पर जो करंट है बाहर की तरफ आ रहा है, लीविंग द प्लेन ऑफ द पेपर, आपने लिखना है ये, लिख के बताना है। और स्टार क्रॉस मार्क क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट इन एंटरिंग इन द प्लेन ऑफ द पेपर, क्लियर है। कैपिटल एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ द टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्लियर है। और कंसीडर किया हमने एक रेक्टेंगुलर क्लोज लूप है ए बी सी डी जिसमें कि लेंथ ए बी है आपकी एल। तो बेटा यहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो मैंने क्या किया, एक क्लोज लूप कंसीडर की, दैट इज ए बी, ऐसे यहां पर सी और ये डी, ये मैंने लूप की डायरेक्शन कंसीडर करी, क्लियर है बेटा, ए बी सी डी, ठीक है। तो यहां पर बेटा लूप के अंदर जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको पता ही है ऑलरेडी, कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। तो यहां पर बाय द एम्पियर सर्किट लॉ, बाय द एम्पियर लॉ, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर फॉर लूप ए बी सी डी दैट इज इक्वल्स टू, इस लूप ए बी सी डी को आप चार हिस्सों में ब्रेक कर लीजिए, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, क्लियर है बेटा। अब ऐसे ही जैसे आपने ए से बी लिया बिल्कुल उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको बी से सी भी ले लेंगे, क्लोज्ड अच्छा प्लस बी से सी, ए से बी, बी से सी, प्लस फिर सी से डी पर पहुंचे, बी डॉट डीएल, प्लस डी से फिर ए पर आए, बी वेक्टर डॉट डीएल, क्लियर है। अब जरा इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए आप, हम पॉइंट बी से सी तक लेके चलते हैं, बी वेक्टर डॉट डीएल, देखिए यहां पर और यहां पर दोनों पर क्या है, बी वेक्टर तो मैग्नेटिक फील्ड तो आपका ऐसे है और जो डीएल है वो ऐसे है, तो डीएल और बी दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री हैं, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, जीरो इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये क्या है डी से ए, दैट इज जीरो because vector B is perpendicular to the vector dl, ये बेटा क्लियर है पॉइंट, यहां का और यहां का B vector और dl vector अपना जीरो आ जाएगा। अब ऐसे ही C से D के केस में देखते हैं, vector B dot dl vector from point C to D, that is zero. देखिए म्यू नोट आई और ये कितना हो जाएगा जीरो। अब आपने देखा कि जो C से D के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड है
वो क्या हो गया हमारा C से D के बी डॉट डी एल इज जीरो, दैट इज म्यू नॉट आई। ये क्यों जीरो हुआ? क्योंकि बेटा ये हमने assumption मान के चलनी है यहां पर कि जो आउटसाइड द सोलेनोइड है, यानी कि सोलेनोइड से बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम यहां पर क्या लेके चल रहे हैं, जीरो लेके चल रहे हैं। ये आपने assumption शुरू में ही मान के चलनी है, assumptions लिख देना, let us assume that solenoid बहुत long है, उसके अंदर बहुत सारी number of turns हैं, और जो magnetic field है outside the solenoid zero है, और inside the solenoid जो magnetic field है वो uniform है। कैसा है? Uniform। ये points आपने लिखने हैं। तो B dot dl ये भी आपका कितना हो गया? Zero हो गया। Clear है? तो अब देखिए बेटा टोटल क्या बचा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, केवल हमारे पास यहां से ए से बी तक का बचा। तो चलिए अब करते हैं स्टार्ट, वेक्टर बी डॉट डी एल दैट इज इक्वल्स टू, अब देखिए बी पॉइंट तो बाहर, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, डी एल सी सॉरी From A to B, और जो लूप है लूप की ए बी लेंथ को हमने क्या मानना था बेटा, L, तो दैट इज B इंटू में L। क्लियर है? तो हमारे पास आ चुका है बेटा लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल्स टू B इंटू में L। तो अब आप इसको सोल्व आउट करेंगे, देखिए कैसे, यहां पर वेक्टर बी सॉरी बी इंटू एल दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट। क्लियर है? करंट एक लूप में करंट कितना है, दैट इज आई इंटू में, अगर n लूप्स का निकालना है, एक लूप में करंट i है तो n लूप्स में करंट कितना होगा, दैट इज म्यू नॉट n i। क्लियर है? नंबर ऑफ टर्न्स मल्टी, एक लूप का करंट मुझे पता है i, तो n लूप्स का कितना होगा, म्यू नॉट को n से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? और n यानी टोट, देखिए अब b l इज इक्वल्स टू द म्यू नॉट i n। अब इस n की वैल्यू आप कैसे निकाल लोगे, देखिए स्मॉल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ क्या था, n बटे l, तो ये n क्या हो जाएगा, n इंटू l, इस l को उधर ले जाओ मल्टीप्लाई में, तो यानी कि b l इज इक्वल्स टू म्यू नॉट i, और कैपिटल n की वैल्यू बेटा क्या आप करोगे, n इंटू में l। क्लियर है? इस L से ये L कैंसल, तो आपके पास क्या आएगा, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड। क्लियर है बेटा? तो चलिए आप जल्दी से यहां पे वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो देखिए बेटा जो हमने सोलेनोइड के बीच में मैग्नेटिक फील्ड निकाला, दैट इज म्यू नॉट एन आई, लेकिन जो एंड्स पर होता है, किनारों पर होता है सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड, वो होता है उसका हाफ, म्यू नॉट एन आई बाय टू। तो अगर हम डिस्टेंस के साथ साथ ग्राफ प्लॉट करें मैग्नेटिक फील्ड का, तो कैसा होगा, देखिए मिड में तो मैंने क्या को क्या बताया, ये मैक्सिमम होता है म्यू नॉट एन आई, तो एंड तक जाते जाते मान लीजिए हम यहां पर एंड पर आ गए, तब तक तो मैग्नेटिक फील्ड पूरा था म्यू नॉट एन आई, लेकिन जैसे एंड पर आएंगे मैग्नेटिक फील्ड एकदम से डाउन होगा। क्लियर है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एकदम से डाउन। सो दिस इज द पॉइंट बी बाय टू, यहां पर आकर के मैग्नेटिक फील्ड क्या हो चुका है, दैट इज हाफ। क्लियर है बेटा? ये पॉइंट आपको समझ में आया, डिस्टेंस के साथ साथ इस तरफ डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, इस तरफ डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, ये है एट एंड्स। एंड्स ऑफ द सोलेनोइड। क्लियर है बेटा? समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए। फिर अब हम समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, या इनसाइड ए टोरॉइड। क्लियर है? टोरॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो अब हम समझने वाले हैं।
तो आइए बेटा अब हम समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइडल सोलेनोइड। क्लियर है? तो देखिए टोरॉइडल सोलेनोइड क्या होती है, या सिंपली बोले टोरॉइड क्या होता है। एक सोलेनोइड होती है जो लोंग होती है, ठीक है, जिसके अंदर कॉपर की वायर के टर्न्स को स्प्रिंग की तरह लपेट किया जाता है। तो अगर उसको मैं एक बेंड कर दूं इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, एक सोलेनोइड को सर्कल की तरह बेंड कर दिया तो उसे बोलेंगे बेटा हम टोरॉइड। वो दिखने में कुछ ऐसी होगी। सोलेनोइड बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए क्लोज्ड रिंग इज कॉल्ड टोरॉइड। अगर हम एक सोलेनोइड को एक रिंग की तरह बेंड कर दें तो उसे क्या बोलते हैं हम बेटा, टोरॉइड। बात समझ में आ गई है? और हमें फाइंड आउट करना है टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। हम अलग अलग पॉइंट चूज करेंगे, एक पॉइंट पी है जो इसके बीच में स्पेस के अंदर कहीं भी है, एक पॉइंट क्यू जो इससे बाहर है कहीं भी, और एक पॉइंट एस जो कि इसके अंदर कहीं पर है। मैं इसको एक क्रॉस सेक्शनल व्यू यहां पर ड्रॉ करता हूं बेटा। क्लियर है? मान लीजिए ये वाला जो सर्कल है मैंने इसको यहां से ये डार्क लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट किया, और ये बाहर वाला जो सर्कल है इसकी बाउंड्री है उसको मैंने इस सर्कल से, तो ये मेरा टोरॉइड की बाउंड्री है। क्लियर है? तो यहां पर एक पॉइंट हमने बीच में माना है कहीं भी पी, उस पी पॉइंट से होते हुए मैंने एक स्मॉल सर्कल डॉटेड लाइन से बनाया, ठीक है। बीच में एक पॉइंट मैंने इसके माना कहीं भी एक पॉइंट एस, अब इस एस पॉइंट से होते हुए भी मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। फिर मैंने एक बाहर पॉइंट लिया क्यू, क्यू पॉइंट से होते हुए एक सर्कल हमने ड्रॉ किया। तो ये आ गया मेरा सेक्शनल व्यू ऑफ द टोरॉइड, और ये सिंपल जो टोरॉइड का स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है बेटा? समझ में आया? तो चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इन द इंटीरियर। इसके इंटीरियर में जो ओपन स्पेस है वहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं पॉइंट पी पर। तो देखिए जरा ध्यान से, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये किसका फॉर्मूला है? एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला। क्लियर है बेटा? लेकिन आपको पता है क्योंकि यहां पर जो टोटल करंट तो है ही नहीं, करंट तो सोलेनोइड के अंदर है, टोरॉइड के अंदर है, इस स्पेस के अंदर कोई भी करंट नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। तो यहां पर आई की वैल्यू बेटा जीरो, क्योंकि आई जीरो हो गया इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड जो है इन साइड द सोलेनोइड दैट इज जीरो। कितना हो गया ये? जीरो। तो चलिए ये तो था इनसाइड, हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम चलते हैं बाहर वाले स्पेस में। दोबारा से हम लेते हैं ओपन स्पेस इन द एक्सटीरियर ऑफ द सोलेनोइड है, लेकिन पहले था इंटीरियर में था ओपन स्पेस, अब एक्सटीरियर में यानी सोलेनोइड से बाहर कहीं भी कोई पॉइंट ले लेते हैं। वो पॉइंट है मेरा क्यू, क्यू पॉइंट से मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। तो आपको पता है यहां पर, अब देखिए जरा फॉर्मूला तो यही होगा, बी वेक्टर डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, फॉर्मूला तो यही होता है। अब लेकिन एक बात को समझने की कोशिश कीजिए जरा, यहां की बजाय थोड़ा इधर समझिए। यहां पर पॉइंट है मेरा क्यू बाहर, क्लियर है। अब बी वेक्टर डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई है, आई की बात को समझिए, करंट यहां से तो जो है ऐसे जा रहा है, लेकिन जब वो टर्न पूरा राउंड पूरा करती है तो वहां से घूम के फिर अंदर आता है। देखिए पहले तो ऊपर की ओर है, फिर जब घूम के आया तो करंट की डायरेक्शन नीचे की ओर थी, एक बार ऊपर की ओर और एक बार नीचे की ओर, एक बार पॉजिटिव दूसरी बार नेगेटिव, तो टोटल करंट कैंसल होकर के जीरो हो जाता है। क्लियर है? देखिए जरा, यहां से करंट गया ऐसे ऊपर, ये ऊपर की ओर जा रहा है ना ऐसे, तो जब बैक साइड से आएगा तो ये करंट ऐसे आएगा। देखिए पहले तो ऐसे गया फिर घूम के ऐसे आया, तो ये तो प्लस में था और ये माइनस में हो गया, तो टोटल करंट कितना? जीरो। तो इसी वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा एक्सटीरियर में। बात समझ में आई? फिर हम बात करते हैं इसके इनसाइड, टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट एस पर निकालना, और एस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस बेटा कितना है? दैट इज स्मॉल आर। फॉर्मूला आपको पता है, बी वेक्टर डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट आई होता है आई यानी टोटल करंट, तो एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन से मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आई? अब इसको जब हम सोल्व करेंगे, बी तो एज इट इज, डी एल का इंटीग्रेशन हो जाएगा यानी कि टोटल लेंथ इसकी सर्कल डॉटेड सर्कल की पूरी लेंथ कितनी होगी? टू पाई आर। क्लियर है बेटा? ये समझ में आया आपको? तो बी इंटू में टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। क्लियर? अब देखिए ये 2 पाई आर इस तरफ डिवाइड में आ गया, तो ये आ गया मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। क्लियर? अब एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स,
और 2 पाई आर क्या है इस सर्कल की पूरी लेंथ, क्लियर, तो 2 पाई आर। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, देखिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इसको एल लिख सकता हूं, और इसे क्या बोलते हैं, इसका सिंबल क्या है, स्मॉल एन। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, स्मॉल एन से, तो इस एन बाय 2 पाई आर की जगह मैंने स्मॉल एन लिख दिया, तो ये आ गया हमारा रिजल्ट। क्लियर है बेटा, दिस वाज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइड। तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, नोट कर लिया। तो चलिए बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।